करना, चीजों को देखना, समझ में आएगा, बहुत इजी है। ठीक है, ये चीज ज्यादा टफ नहीं है, एक बार हिट कर जाएगी तो आप हर पेज बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, पहले थोड़ा सा एक रैंडम डॉट एचटीएमएल टाइप का वर्ग पढ़ाते हैं। जैसे कि क्या रैंडम मतलब रैंडम होता है, ठीक है, ये टॉपिक से कुछ मतलब ही नहीं है इसका तो। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क किया, ऑल्ट प्लस जेड, तो यहाँ पर अगर मैं पेज पर आया, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई टैग लिखा है, जैसे सिंबल सा मैं करता हूँ, लेट्स से पी टैग बना देना, ठीक है, और पी टैग पे कुछ डेटा डाल दिया, मैंने लिख दिया लॉरेम 10 वोल्ट्स एंटर प्लस एस। अभी ये करना है, लेट्स से मेरे पास एक बीच में डेटा है, इस डेटा पे मैंने लिख रखा ड्यू कैट, कंट्रोल प्लस एस मैंने इसे सेव किया और रन करा कर देखा, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, तो यहां पर लिखा है लेट्स से ड्यूकेट लिखा है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस ड्यूकेट को अंडरलाइन करना है जब मैं कर्सर लेके जाऊं तब। ठीक है, तो मैं कैसे करता हूँ, ड्यूकेट पे मुझे, अब हमारे पास स्यूडो क्लासेस होती हैं सीएसएस के अंदर, नंबर ऑफ स्यूडो क्लासेस हैं, बस वर्ड को सुनिए, अभी मैं सिंपल वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने कहा सीएसएस के अंदर नंबर ऑफ स्यूडो क्लासेस होती है, मुझे ड्यूकेट को कर्सर लेके जाने पर लेट्स से इस पर अंडरलाइन करनी, किसी में भी करनी है। तो मैंने इसको क्या किया, स्पेन टैग के अंदर डाला। स्पेन क्या है, स्पेन एक इनलाइन ब्लॉक है, सेम लाइन पर, ये लाइन ब्रेक नहीं करता। तो क्या हो गया, ड्यूकेट है, कुछ पता नहीं चल रहा। अभी मुझे कर्सर लेके जाने पर इस पर अंडरलाइन करनी है, तो मैं कैसे करता, मैं यहां पर आता, जो भी टैग आपने बनाया, लेट से अगर मैं हेड सेक्शन पे ही सीएसएस लिख रहा हूँ, आप एक्सटर्नल लिखेगा हमेशा, ठीक है, इंटरनल लिखी जा सकती है, तो मैं इंटरनल पे समझा रहा हूँ, मैंने क्या लिखा, स्पेन टैग, यहाँ पर मैंने लिख दिया टेक्स्ट का डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन पे अंडरलाइन लिख, कंट्रोल प्लस एस सेव। तो क्या होगा, जब मैं इस टेक्स्ट पर कर्सर लेके जाऊंगा, तो कर्सर लेके जाऊंगा तब अंडरलाइन करें। ठीक है, अब ये पहले से अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है, ये अंडरलाइन करने, अब जब होवर करने पर तब जाए, तो मैं स्पेन पर यहां पर लिख दूंगा होवर। होवर मतलब क्या होता है, माउस के लेके जाने पर, जब मैं माउस लेके जाऊं तब ऐसा हो, क्या हो, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन है, मैंने कंट्रोल प्लस एस सेव किया, तो किसी भी टैग पर अंडरलाइन हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसी पर, अभी मेरे को इंडिविजुअली इस पर करना है, तो जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ वैसे क्या आता है, अंडरलाइन आता है। ठीक है, मैंने उसको किसके अंदर डाल रखा है, स्पेन पे। अच्छा, आप अगर आप मेरे से कहते हैं कि सर पी टैग पर, जब भी मैं पी टैग पर होवर करूं, अब इंडिविजुअली था तो किसके अंदर डाल दिया, स्पेन के अंदर डाल दिया, अगर पूरे के पूरे पी पर डालना होता तो आप पी पर लिख देते, पी पर होवर करने पर कि क्या हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए, जैसे ही मैं पी वाले टैग पर होवर करूंगा वैसे ही क्या हो जाए, अंडरलाइन आ जाए। देखो पी पर होवर करते ही अंडरलाइन आ रही है, इंडिविजुअली करना है तो किसके अंदर डाल दिया उसे मैंने, स्पेन के। ठीक है, अब अंडरलाइन ही नहीं मेरे दोस्त, आप कुछ भी कर सकते हैं यार, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हो, आप यहाँ पर पेज पर हो, ऐसे मैंने इस प्रॉपर्टी को देखा, मैंने कहा भाई यहाँ पर जैसे कलर चेंज हो जाए, कलर हो जाए रेड, इस पर बैकग्राउंड कलर भी आ जाए, तो क्या होगा, जब मैं इस स्पैन टैग पर होवर करूंगा, उस पर बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, ठीक है, उसका कलर भी चेंज हो जा रहा है। अच्छा, मैंने ये कहा कि सारे के सारे कैपिटल हो जाएं जैसे मैं होवर करूं, ठीक है, तो मैं कैपिटल भी कर सकता हूँ, मेरे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है, देखो मैंने रट्टा मार रखा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, गूगल में मिलता है सब, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैंने क्या लिख दिया, सबके सब अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या लिख दिया है, अपर केस, जाकर अगर आप पेज पर देखेंगे तो जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊंगा वैसे सबके सब किस पे कन्वर्ट हो जा रहे हैं, अपर केस में। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है जिसमें आप टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल कुछ भी कर सकते हैं, क्लियर है बात, हमारे पास इस तरीके से प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज को आपको समझना है किस तरीके से काम होगा। एक अगली बात मैंने बोली कि भाई अगर मुझे लाइन बनानी है, लाइन, तो अगर मैं लाइन बनाता हूं तो लाइन किससे बना देता हूं मैं, ध्यान देना, मेरे पास लाइन बनाने के लिए टैग होता है एच आर, उनका टैग है एच आर, हॉरिजेंटल रूलर, इससे क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है, देखना आप पेज पर क्या बन जाएगी, इससे लाइन बन रही है। ठीक है,
अच्छा, इसी इसी चीज को मुझे छोटा बड़ा करना होता तो मैं एचआर टैग के लिए क्या करता, सीएसएस लिख देता, एचआर की विड्थ डिफाइन कर देता, कितनी विड्थ हो, कितनी हाइट हो, कैसा कलर हो, इस तरीके से लिख सकता था। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है ऐसी। तो ठीक है, हम यहाँ पर पेज पर आए, अब आपको बस सेंस समझना है कि मैं बना क्या रहा हूँ, किस तरीके से बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने लिखा लेट्स से आउटलाइन इन सीएसएस, ये सीएसएस में आउटलाइन प्रॉपर्टी क्या होती है। आउटलाइन प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, बाहर से लाइन देना। देखो बॉर्डर के बाहर आउटलाइन स्टाइल आउटलाइन देना है बाहर से। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, डॉटेड देना, डैश देना, किस तरीके से हम आउटलाइन दे सकते, आउटलाइन करके प्रॉपर्टी, बॉर्डर करके प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज पढ़ते चले जाते हैं कि किस तरीके की प्रॉपर्टीज है। मान लो मेरे को एचआर से नहीं बना, मेरे को क्या करना है, मैंने एक डिप बनाया, समझना, मैंने डिप बना रखा था ना कल, 6 डिप 7 डिप ऐसे कुछ बना रखे थे मैंने। ठीक है, और लेट से मेरे को डिप का मैंने एक आइटम नंबर इसका कुछ भी डिफाइन कर दिया, मैंने लेट से किसी क्लास डिफाइन कर दी, लेट से इसमें लिख दिया आइटम नंबर 6 या 4 ऐसे कुछ लिख। अगर मैं डिप पे जाता हूँ, डिप की सीएसएस लिखनी है, तो मैं आइटम नंबर 4 की सीएसएस लिख सकता हूँ। यहाँ पर पेज पर आया, मैंने विड्थ डिफाइन कर दी, मैंने कहा यार विड्थ होनी चाहिए 200 पिक्सल की, लेट से इसकी हाइट होनी चाहिए कोई भी रैंडम सी, मैं अभी दे रहा हूँ 200 पिक्सल, और लेट से मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया। मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया कोई भी, एक गोल्डन डॉट इस तरीके से मैंने दे दिया। जाकर अगर पेज पर देखता हूँ, तो मैंने आपको एक आउटलाइन प्रॉपर्टी दिखाई, क्यों दिखाई कि आप पढ़िए। ठीक है, जैसे मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एक बोला मैंने आउटलाइन पढ़ना, आउटलाइन क्या करती है। तो यहाँ पर हम पेज पर है, मेरे पास क्या बना, एक डिप बना है। अच्छा, अगर मैं एक काम करता, ध्यान देना, अगर मैंने डिप पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिया होता, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कौन सी, बॉर्डर टॉप, लेट से मैंने बॉर्डर दे दिया होता 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, कंट्रोल प्लस एस सेव करा, जाकर पेज पर देखा, तो क्या बन के आएगा भाई, सिर्फ टॉप बॉर्डर, आपको बाकी डिप दिख ही नहीं रहा, हाइट आपने दी ही नहीं, विड्थ तो कितनी लिख रखी है 200 पिक्सल। तो जो आप एचआर से कर रहे थे वो किससे भी कर सकते थे, डिप से। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपने प्रॉपर्टी डिफाइन करी, तो यार अपना अपना दिमाग है ना। ठीक है, एक बंदे ने एचआर से किया, एक ने डेवी को समझा, बोला कि मैं बॉर्डर लिख दूंगा सर, अगर मैंने बॉर्डर सिर्फ लेफ्ट साइड का दिया, तो आपको किस तरफ दिखेगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का बॉर्डर, किसका, डिफ का, ये देखो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का, और लेफ्ट हैंड साइड के डिफ का बॉर्डर दिखाने के लिए मुझे देनी पड़ेगी हाइट, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, तो उस केस में मुझे क्या देनी पड़ेगी, इसकी हाइट देनी पड़ेगी, कंट्रोल प्लस एस, क्योंकि हाइट दूंगा तभी तो डेटा दिखेगा। यहाँ पर पेज पर देखो किस तरफ दिख रहा है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर हो रही है बात। तो आप इस तरीके से भी बना सकते थे, एक डिप बनाकर उस पर डायरेक्टली क्या दे सकते थे, बॉर्डर टॉप दे देते, तब भी बन जाते, तब भी आपकी लाइन दिख जाती। तो अपने अपने सिनारियोज होते हैं, जब आप डिजाइनिंग करते हैं, तो आप किस तरीके से उस चीज को सोच रहे हैं, क्या चीज को सर्च मार रहे हैं, उससे बन जाएगा, क्लियर है। अगली चीज को एक बेसिक रैंडम में ही समझाते हैं, अगली कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे आपने टेक्स्ट एरिया पढ़ा था, अभी रैंडम पढ़ा रहे हैं, पहले डॉट क्लास कोलॉन ओवर, ठीक है, तब होगा। जैसे मान लो स्पेन ये है, अब मेरे पास 10 स्पेन होते हैं, तो 10 के 10 स्पेन को अलग करना होता, तो किससे करते हैं हम, क्लास से, मैंने लेट से इसको एक क्लास दे दी ए, तो यहाँ पर जब क्लास से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर डिफाइन करते समय डॉट ए लिखते हैं इसी जगह पर, बस हो गया। ठीक है, अब एक ही स्पेन है, तो मैंने क्या नहीं देखा, अलग अलग डिफाइन नहीं करें, कंट्रोल प्लस एस सेव कर दिया। अगली चीज को समझना, अगली एक रैंडम चीज जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग टेक्स्ट एरिया बनाते हैं, राइट। टेक्स्ट एरिया पर हमारे पास पेज पर देखना, देखो यहाँ पर पेज पर है, अगर मैं पेज पर देखता हूँ, मैंने टेक्स्ट एरिया बनाया, अभी मैं बाकी चीजों को कमेंट करता हूँ, जो भी चीजें मैंने पढ़ी हैं, लेट से मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एस सेव किया, और जाकर अगर पेज पर देखता हूँ, तो अभी मैं टेक्स्ट एरिया पे फोकस कर रहा हूँ, तो वहीं पर हूँ। देखो टेक्स्ट एरिया मेरे पास क्या बन के आ रहा है, टेक्स्ट एरिया बन के आ रहा है। अभी टेक्स्ट एरिया क्या होता है, हम इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब यार पेज पर आपने टेक्स्ट एरिया बना दिया, बड़ा छोटा करने की परमिशन तो आप क्लाइंट को दोगे नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, अब उस पर डेटा डाल रहे हो तो वो होता रहे, तो बेसिकली ये बड़ा छोटा हो सकता है, अगर आप चाहो तो इसे रैंडम छोड़ सकते हो,
बट आपने अगर बोला कि सर ये बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, तो आप इस काम को सीएसएस से कर सकते हैं हैंडल। यही काम आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, समझ ना। बट अब सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टीज है, तो सीएसएस की प्रॉपर्टीज से पढ़ लेते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। हमारे पास टेक्स्ट एरिया बना है, इस टेक्स्ट एरिया को मुझे अगर हैंडल करना है तो मैं टेक्स्ट एरिया के लिए सीएसएस लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने कहा अरे टेक्स्ट एरिया ना छोटा बड़ा ना हो, जब मैं पेज पर आ रहा हूँ तो ठीक, तो टेक्स्ट एरिया छोटा बड़ा ना हो, उसके लिए आपने क्या किया, आपने रिसाइज प्रॉपर्टी का यूज किया और रिसाइज पर लिख दिया नन। अब रिसाइज पर नन लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टेक्स्ट एरिया छोटा बड़ा नहीं हो सकता। देखो जितना बड़ा है उतना ही साइज, अब आपके पास वो रिसाइज वाला चीज हट गई। जितना कॉलम्स और रोज आप देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से दे दो पहले से ही, ठीक है। छोटा बड़ा तो आप किसके बेस पर करते हो, रोज और कॉलम्स के बेस पर। यहाँ पर जब आप पेज बनाते हो तब आप करते हो इसे, ये रोज और कॉलम्स आप कम ज्यादा कर सकते हो, क्लियर हो रही बात। अगली चीज को आपको समझना है, आपके पास एक डिव ही फिर ओपन कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस एफ, लेट से मेरे को, मैंने डिव ओपन कर दिया क्योंकि अभी मैं आपको समझा नहीं सकता हूं। अगर रिलेट करता तो मैं आपको समझा देता, अभी रिलेट नहीं करता ये बात। कंट्रोल प्लस एस, जैसे मेरे पास डिव है, मैं इस पर्टिकुलर लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ये डिव है देखिएगा। आप मान लो मेरे पास डिव है, डिव पर मैंने हाइट विड्थ से सब दे रखी है और एक बेसिक सा लेट से मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ ऐसा कुछ, या बॉर्डर दे दिया मैंने, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड ऐसा कुछ लिख दिया, और लेट से एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ खाली सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेट से मैंने कोई भी एक बैकग्राउंड कलर दे दिया ये। तो अभी मेरे पेज पर एक डिव भी बना है, टेक्स्ट एरिया बना है और पैराग्राफ तो है ही ऑलरेडी यहाँ पर पेज पर, तो ये मेरे पास एक डिव है, ठीक है। मैंने इस पर टेक्स्ट पे क्या कर दिया है, टेक्स्ट एरिया पर रिसाइज नन लिख दिया है। अच्छा मान लो मैंने कोई डिव बनाया है, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये बड़ा छोटा हो पाए, आपने देखा होगा मोबाइल्स पे भी कोई चीजें क्या होती हैं, स्ट्रेच हो जाती, ठीक है, आप खुद से उससे बड़ा छोटा कर पाते हो। आजकल ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है, अगर आप नोटिस करते होंगे तो ऐसा हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है, आपने जो डिप पे काम कर रहे हो आप लिख दोगे अगर रिसाइज, किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं, हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, या दोनों डायरेक्शन में, आप मेंशन कर सकते हैं हॉरिजेंटल वर्टिकल या फिर बोथ। मैंने बोथ लिखा है, और यहां पर अब आपको एक प्रॉपर्टी और लिखनी पड़ती है साथ में, रिसाइज के साथ में आपको वो लिखना पड़ता है ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो क्या डाल दिया, ये लिखना होता है रिसाइज के साथ। जब आप ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तब आपके पास पेज पर क्या कर सकते हैं, रिसाइज की प्रॉपर्टी आ जाती है। देखो इस डिप को क्या कर सकते हो आप, बड़ा छोटा कर सकते हैं, कह रहे हैं तो एक रैंडम से सिनारियों पर अगर हम बोल रहे हैं तो रिसाइज प्रॉपर्टी क्या कर सकती है, चीजों को रिसाइज कर सकते, किस डायरेक्शन पे आप करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप चीजों को स्ट्रेच कर सकते हो। अगली प्रॉपर्टी पे अगर बात करते हैं, मान लो मैंने अगली प्रॉपर्टी ओपन करी, थोड़ा सा और समझाते हैं आगे चीजों को। मैं अगली प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ टेक्स्ट इफेक्ट्स, देखना टेक्स्ट इफेक्ट्स इन सीएसएस। अब ये कैसी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इफेक्ट्स, देखिए टेक्स्ट इफेक्ट्स पे आप क्या कर सकते हैं देखना। लेट्स से मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, इस पे कौन सी, राइटिंग मोड, यहाँ पर पेज पर आया देखना। लेट से मैंने टेक्स्ट इफेक्ट्स की प्रॉपर्टी पर एक प्रॉपर्टी देखी राइटिंग मोड, किस तरीके से मेरे पास कोई भी एक टैग लिखा है, लेट से मेरे पास एक H1 टैग लिखा है, ठीक है, और लेट से H1 टैग पे मैंने लिख रखा है लॉरम 3 वर्ड्स, कंट्रोल प्लस एस सेव कर। इस H1 टैग पर मैं राइटिंग मोड का यूज करना चाहता हूँ, अभी H1 टैग को बेसिकली नॉर्मल दिखा रहे हैं, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, लेट से मैंने इस पर क्लियर रखा है कलर लिख रखा है कोई भी एक कलर, लेट्स से रेड कलर, कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया, और जाकर मैंने पेज पर देखा कि मेरे पास किस तरीके से ये चीजें लिखी हुई आती हैं। तो आपके पास राइटिंग मोड कैसा लिखा हुआ है, सीधे एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपने चीजें को लिखा है। आप राइटिंग मोड चेंज कर सकते हो, कैसा चेंज कर सकते हो, नीचे देखिएगा राइटिंग मोड की डायरेक्टली प्रॉपर्टी पे जा रहा हूं मैं, ये देखिए राइटिंग मोड। अगर आपको टेक्स्ट को चेंज करना है राइटिंग मोड, अगर आपने वर्टिकल राइट टू लेफ्ट लिख दिया,
कॉपी किया, मैं यहां पर पेज पर आया, मैंने इस पर जाकर राइटिंग मोड प्रॉपर्टी लिखी वर्टिकल, और वर्टिकल क्या लिख दिया, राइट टू लेफ्ट, यहां पर देखना राइटिंग मोड राइटिंग मोड, और इस पर क्या लिख दिया वर्टिकल राइट टू लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एस सेव किया और जाकर पेज पर देखा। तो जो आपने प्रॉपर्टी लिखी थी, जो डेटा लिखा था, वो किस मोड पे चला गया? अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो टेक्स्ट से रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है? मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि राइटिंग मोड क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि टेक्स्ट पे भी काम करना है तो टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, बोल्ड करना है, कैसा करना चाहते हो, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हो, हर चीज से रिलेटेड क्या है, प्रॉपर्टीज। सीएसएस डिजाइन का काम करिए, आपको बस पकड़ना है कि मैं ये करना चाहता हूं, उसे गूगल पर किस तरीके से सर्च कर पाऊं। ऐसे तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आएंगी, मैंने राइटिंग मोड पर जानबूझ के उसी पे फोकस किया। अगर मैं पेज पर कहता हूं कि भाई मुझे कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा टेक्स्ट पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, अगर मैंने लोअर केस लिख दिया तो सारे के सारे टेक्स्ट को किस पे कन्वर्ट कर देगी, लोअर केस पे कन्वर्ट कर देगी। देखो सारे के सारे किस पे कन्वर्ट हो गए, लोअर केस पे। मुझे इस पर बैकग्राउंड कलर देना है, जो भी मैंने डेटा लिख रखा है उस पर बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं, तो ये लो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाई, तो बे कलर दे दिया, कंट्रोल प्लस है सेव किया, पीछे से क्या जाएगा बैकग्राउंड कलर। हो रहा है समझ में आ रही बात? एक सिंपल सी बात को फिर आगे बताते हैं, रैंडम सी चीज, फिर से एक रैंडम चीज बताते हैं। यहां पर हम पेज पर हैं, लेट से मेरे पास एक और डिव बना है, मैं एक सिंपल सा एक काम कर रहा हूँ, से मेरे पास एक और डिव बना है। अब दो डिवों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैं किसके बेस पर कर सकता हूँ, क्लास के बेस पर या फिर आईडी के बेस पर। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने यहाँ पर क्लास लिख दी, लेट्स से आइटम नंबर 5 इसको डिफाइन कर दिया, कंट्रोल प्लस एस सेव किया। जाकर आप पेज पर देखो आइटम नंबर 5 के लिए, लेट्स से मैंने सीएसएस लिखी, मैंने यहाँ पर विड्थ डिफाइन कर दी, रैंडम सी कोई भी विड्थ लिख दे रहा हूँ, लेट्स से मैंने 300 पिक्सल इसकी विड्थ लिख दी। पिक्सल पे हालांकि नहीं देना चाहिए, कल आपने वीएसवीडब्ल्यू लिखा है तो आप वीएसवीडब्ल्यू पे लिखे, ठीक है? मैंने यहाँ पर एक हाइट डिफाइन कर दी, लेट से रैंडम सी कोई भी हाइट, 200 पिक्सल की मैंने एक हाइट डिफाइन कर दी, एक बेसिक सा बैकग्राउंड कलर दे दिया, लेट से बैकग्राउंड कलर ये भी एक रैंडम सा बैकग्राउंड कलर, ये तरीके से दे दिया, कंट्रोल प्लस एस। और लेट से मैंने इस डिफ के अंदर कुछ डेटा डाल दिया, लॉरम 20 वोल्ट्स इस तरीके से डाल दिया। आप ये जानते हैं कि जब आप हाइट डिफाइन करेंगे तो डेटा बाहर निकल सकता है, तो हाइट देने की जरूरत नहीं है, अगर डेटा बाहर निकलता है तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। अगर आप ओवरफ्लो को सेट करेंगे तब आप चीजों को समझ सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी अगली देखनी है, कौन सी, ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो क्या करता है, कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया, अभी मैंने ओवरफ्लो का कोई सिनेरियो नहीं बनाया, मैंने एक हाइट डिफाइन कर रखी है, दी नहीं मैंने हाइट बेसिकली, मेरे पास क्या रहेगा, डिव आ रहा है खुद से, स्क्रोलर आ रहा है ना, डेटा बढ़ता जा रहा है तो स्क्रोलर आ जा रहा है खुद से, आपको स्क्रोलर पे सोचना क्यों है? तो यहां पर हम पेज पर हैं, मुझे इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज लगानी है, बैकग्राउंड कलर की जगह पे मैं क्या लगाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज, उस पर कुछ चीजें ध्यान देनी है। जब तो मैं यहाँ पर पेज पर आया तो बैकग्राउंड कलर की जगह पर प्रॉपर्टी कौन सी है, बैकग्राउंड इमेज है। बस इमेज के अंदर आप यूआरएल मेंशन करते हैं, यूआरएल पर आप पाथ डालते हैं, कौन सा पाथ, जो इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज है उसका पाथ, ठीक है? तो आपने पाथ डालना है, तो आपने क्या लिखा, इमेजेस स्लैश लेट्स से कोई भी एक इमेज, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, सबसे बेस्ट, अब आपको बेटर दिखाई देगा। तो लेट से मेरे पास एक इमेज है, मैंने एक इमेज डाउनलोड करी, मैंने लिखा पॉल्यूशन इमेज, कोई भी एक पॉल्यूशन इमेज को मैंने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, रैंडम सा कोई भी एक इमेज।
राइट क्लिक, सेव इमेजेस एज, डिसम्बर 230 वैब हमारा फोल्डर है उसके अंदर डालते हैं, जो कैट के अंदर डिसम्बर 230 वैब। यहाँ पर लेट से मैंने एक नाम लिख दिया पॉल्यूशन और इसे सेव कर दिया। यहाँ पर पेज पर गया मैंने, लेट से इमेजेस स्लैश इमेज का नाम कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, बैकग्राउंड कलर हटाकर बैकग्राउंड इमेज डाल दी है। नोटिस करना आप पॉइंट, मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, जाकर पेज पर देखता हूँ इस जगह पर, देखो बैकग्राउंड इमेज मैंने डाउनलोड करी थी, बट अगर आप इमेज देखते हैं तो इमेज तो इतनी नहीं थी। इमेज आप पेज को देखना, मैं यहाँ पर पेज पर हूँ, अगर मैं आपको इमेजेस सेक्शंस के अंदर से इमेज को दिखाऊं पॉल्यूट डॉट जेपीजी, तो इमेज तो इतनी है। जब आप पेज पर देख रहे हैं तो आपको तो हाफ ही पार्ट दिख रहा है, वो भी मेरे को लगता है इतना ही हाफ ही कहीं तक, ठीक है, पूरी की पूरी इमेज तो नहीं आ रही है। अगर आप इमेज के अगली चीज को समझना, अगर आप विड्थ को बढ़ा देते हैं या हाइट बढ़ा देते हैं, लेट से मैंने विड्थ दे दी 800 पिक्सल, कंट्रोल प्लस एस सेव किया, जाकर पेज पर देखा, तो आप देखिए आपके पास ये इमेज आ रही है। और लेट से बाकी चीजों को कमेंट करता हूँ, पेज नीचे आ रहा है इसे, लेट से मैंने इस पर्टिकुलर लाइन को कमेंट कर दिया, सिर्फ उसी जगह पे फोकस रहेगा, इसे मैंने कमेंट कर दिया, ये वाला डिप पे ही फोकस रहेगा मेरा, तो लेट से मैंने उसे कमेंट कर दिया कंट्रोल प्लस एस। मेरे को सिर्फ एक डिप दिखाई देगा जिस पर मैंने बैकग्राउंड इमेज लगा रखी है, बाकी सब हट गया। देखो अभी भी इमेज पूरी नहीं आई, ठीक है, अभी भी तो कट रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इमेज प्रॉपर आए, जो भी पेज है उस पर मेरी इमेज प्रॉपर आए, अगर मैं हाइट भी दे देता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं डिफ पर हाइट देता हूँ, मान लो मैंने हाइट भी दे दी, कंट्रोल प्लस है सेव कर, जाकर प्रॉपर्टी को देखा, ठीक है, अभी भी पूरी नहीं है। तो इस केस में आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है? जब आप बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी देते हैं उस टाइम पर, ध्यान दीजिएगा, जब आप बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लिखते हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, कि बैकग्राउंड कभी भी क्या ना हो रिपीट नो, क्योंकि जब आप हाइट बढ़ाएंगे या विड्थ बढ़ाएंगे तो इमेज क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती है। छोटी होगी इमेज तो रिपीट करेगी, देखो अगर यहाँ पर मेरे पास इमेज होती कोई दूसरी, तो मैंने लोगो डॉट पीएनजी वाली इमेज डाली और नो रिपीट नहीं लिखा, कंट्रोल प्लस एस सेव किया, जाकर पेज पर देखा, बैकग्राउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसकी इमेज का साइज ज्यादा है तो रिपीट हो नहीं रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं पेज पर देख रहा हूं तो आपके पास बैकग्राउंड रिपीट वाली प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ती है, आपने लिखा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, तो पूरा कवर करें उसके लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज पर जितना आपने विड्थ दिया है, जितना आपने विड्थ दिया है, दूसरा आपने जितना हाइट दिया है, ये आपने मेंशन कर दिया, कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया, जाकर पेज पर प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो अगर मेरे पास पेज है, अब ध्यान देना, जो भी डेप्थ बढ़ा रखा है मैंने, इसको भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, इतना कितना कर देता हूँ 300 पिक्सल, तो 300 पिक्सल मैंने विड्थ दिया है, 300 पिक्सल क्या दिया है, हाइट दिया है, इस पर आपकी पूरी की पूरी इमेज आ जाएगी। देखते हैं, यहाँ पर मैंने इमेज को चेंज किया, इमेज थी मेरे पास क्या बॉलीवुड डॉट जेपीजी, कंट्रोल प्लस एस मैंने इसे सेव किया, जाकर पेज पर देखा, तो मेरे पर्टिकुलर डेटा पर क्या आ गई, आ गई। तो आपको एक अगली प्रॉपर्टी पढ़नी है, बैकग्राउंड साइज, ये तो सिर्फ एक डेटा के हिसाब से समझा दिया गया है, मैं बोलते जा रहा हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बैकग्राउंड साइज इन सीएसएस, बैकग्राउंड साइज इन सीएसएस लिखोगे, W3 स्कूल एक बेसिक सी वेबसाइट पर जाओगे और यहाँ पर बैकग्राउंड साइज को समझोगे कि बैकग्राउंड साइज पर क्या होता है, ऑटो लिखने से क्या होगा, क्या कहता है, स्पेसिफाई द साइज ऑफ अ बैकग्राउंड साइज इमेजेस विद ऑटो एंड इन पिक्सल्स, क्या हो रहा है ऑटो से और पिक्सल्स से क्या हो रहा है, यहाँ पर समझ में आया, ऑटो लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है, पिक्सल लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर प्रेफरेंस प्रॉपर्टीज को समझना है।
कि कवर करने से क्या होता है, कंटेन करने से क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज रन करा कर दिखाई गई है, ये सिंटेक्स है, डेमो पे क्लिक करोगे और देखोगे। ठीक है, मैंने कंटेनर के हिसाब से क्या दे दिए, विड्थ और हाइट दे दी। यहाँ पर प्रॉपर्टीज को आपको समझना है किस तरीके से प्रॉपर्टीज काम करती हैं। ऑटो लिखूंगा तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑटो तो क्या होगा, ऐसे ऑटो को पढ़ना है कि ऑटो क्या होता है। मान लो मैंने इससे क्या हटा दी, हाइट हटा दी, ऐसे समझना है। पहले पढ़ना है फिर उसके बाद वर्क करके देखना है कि किस तरीके से इस पे काम होता है। ठीक है, कि ऑटो कैसे चल रहा है, ऑटोमेटिकली क्या होती रहे, हाइट होती रहे, जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली क्या बनती रहेगी, हाइट बनती रहेगी। आपने कहा सर मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मेरे दोस्त टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर प्रॉपर्टी होती है, तुझे कलर रेड करना है तो ये ले, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया, जाकर पेज पर देखा तो टेक्स्ट का कलर क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है। सर मुझे कर्सर लेके जाने के बाद इस इमेज को चेंज करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा यार, क्या पढ़ा, आइटम पर आइटम नंबर 5 पे होवर करने के बाद तुझे जो भी कुछ करना है वो कर ले, तुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है लेकर, क्या करना चाहता है, व्हाइट करना चाहता हूँ सर मैं, क्या करना चाहता हूँ, फॉन्ट के साइज को भी छोटा छोटा करना चाहता हूँ सर जब मैं कर्सर लेके जाऊँ, क्या बड़ा करना चाहता हूँ, तो 1 em इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, अगर मैं 1.5 लिखता हूँ तो 24 पिक्सल हो जाएगा खुद से, सॉरी सही बोल रहा हूँ, 16 + 8 = 24। तो अगली पिछीज पर अगर मैंने बात बोली, मैंने कहा सर मेरे को बैकग्राउंड इमेज भी चेंज करनी है, जब मैं क्या लेके जाऊं, कर्सर लेके जाऊं, ये ले भाई कौन सा करना चाहता है इमेज, यहाँ पर यूआरएल डाल दे, जो भी इमेज करना चाहता है इमेजेस वाले सेक्शन से लगा ले, स्लैश सर मेरे को ये fb.svg समझ में आ रहा है ये लगाना चाहता हूँ, लिखा। तो क्या होगा, जब मैं आइटम नंबर 5 पे कर्सर लेके जाऊंगा तो टेक्स्ट का कलर चेंज, फॉन्ट का साइज चेंज हो रहा है, फॉन्ट मैंने व्हाइट लिख रखा है तो व्हाइट नहीं दिखाई देगा क्योंकि पीछे भी बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है, तो बैकग्राउंड कलर भी व्हाइट है तो नहीं दिखेगा, इसलिए लेट से इसको मैं येलो कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस है सेफ। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं कर्सर लेके जाऊंगा वैसे ही कलर चेंज, और जब मैं इसे हटाऊंगा तो चीजें चेंज, क्लियर हो रही बात, जब आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो चीजें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली चीज, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, काफी सारी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको इसीलिए रैंडम पढ़ा रहा हूँ, आपको खाली रैंडम सुनना है मेरी बातों को, कि भाई बैकग्राउंड कलर, मान लो आपने बैकग्राउंड कलर लिखा होगा, बैकग्राउंड कलर आपने लिखा है लेट से कोई भी कलर, लेट से ब्लूइश कलर दे रखा है ब्लू, आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड से रिलेटेड, बैकग्राउंड कलर, एक बैकग्राउंड ब्लेंड मोड होता है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड पे लेट से मैंने डिफरेंस लिख दिया, अब ये क्या करता है, मैंने इमेज भी दे रखी है, कलर भी दे रखा है, ब्लेंड मोड यूज किया, ध्यान देना, इमेज दी है, कलर दिया और ब्लेंड मोड यूज किया है, ठीक है, सेव किया और ब्लेंड मोड पर कुछ भी लिख रखा है, अभी डिफरेंस लिख रखा है, आप देखिएगा पेज पर पीछे से क्या हो रहा है, वो इमेज के पीछे कलर बनाने की कोशिश कर रहा है, डिफरेंस लिखा तो कुछ कलर अलग चेंज कर रहा है, ये प्रॉपर्टी फोटोशॉप वाली है बेसिकली। यहां पर अगर मैं प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं, देखना, अगर मैं ह्यू लिख देता हूं तो कुछ होगा, कंट्रोल प्लस एस सेव किया, जाकर पेज पर देखना, ये देख रहे हैं आपको, वो इमेज के साथ खेल रहा है, पीछे से कलर दिखा रहा है उसका, वो ब्लू वाले के साथ, ये फोटोशॉप के जैसे प्रॉपर्टीज है। आपको कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी जो आपको इमेज के साथ में अगर खेलना है तो आपको पढ़नी है फिल्टर प्रॉपर्टी, नोट करते जाओ, ठीक है, इमेज के साथ अगर खेलना चाहते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी खेलोगे, फिल्टर इन सीएसएस, आप फिल्टर इन सीएसएस आपने किया, आप पेज पर आए, ये है फिल्टर इन सीएसएस, देखो ब्लर करने पर क्या होगा, ब्राइटनेस करने पर क्या होगा, डेमो पे क्लिक किया बस देखा, यहां से देखो फिल्टर ब्लर कर रखा है 5 पिक्सल, तो देखो क्या हो रहा है, फिल्टर नन करने से क्या हो रहा है, देखो फिल्टर पे ब्राइटनेस डाली तो इमेज के साथ में क्या आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है, कंट्रास्ट डाल दिया, क्लियर है, कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है, फिल्टर इमेज के साथ खेलना चाहते हो, फिल्टर प्रॉपर्टी से खेलो, तो फिल्टर प्रॉपर्टी किसके साथ खेलती है, इमेज के साथ, अगर आपको इमेज के साथ में खेलना है
ब्राइटनेस देनी है, कंट्रास्ट देना है, ऐसा काम किससे कर सकते हो? फिल्टर से कर सकते हो। मैंने बैकग्राउंड कलर के साथ में ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं इमेज के साथ, ठीक है? तीन प्रॉपर्टी थी, मैंने इमेज भी लिखा, कलर भी लिखा और ब्लेंड मोड पे लिखा। अगली प्रॉपर्टी आपके पास ऐसी भी हो सकती है, जैसे आपने कहा कि सर मेरे को ना, जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, तो आपके पास एक इमेज लगी पड़ी है, सेव करते हैं Ctrl+S, या आपके पास एक इमेज लगी है, जैसे आपने पेज बना रखा है, तो आपके पास क्या है, इमेज लगी है, जब कर्सर जा रहा है तो इमेज चेंज हो रही है। लेट से मैं इमेज चेंज होने वाले कॉन्सेप्ट को हटा देता हूँ, कलर चेंज रहने देता हूँ, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, इसको मैंने कमेंट कर दिया, मैंने सेव किया। मैं जाकर अगर पेज पर देखता हूँ, तो अब क्या करना है, लेट से मुझे होवर करने पर, जब मैं आइटम पे होवर कर रहा हूँ, आइटम नंबर 5 पे, तो जब मैं होवर कर रहा हूँ, लेट से मुझे इसकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, ठीक है? अभी ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ओपेसिटी। ओपेसिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है? अगर मैंने 0.3 लिख दिया, लेट से मैंने कहा क्या कि जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो कर्सर लेने के बाद इमेज की ओपेसिटी, बैकग्राउंड की ओपेसिटी पे फर्क पड़े, बैकग्राउंड की ओपेसिटी, मैं जैसे ही कर्सर लेके जाऊंगा तो देखो ओपेसिटी में फर्क पड़ रहा है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना, आप बैकग्राउंड इमेज हो चाहे कलर हो। जैसे मेरे पास ये था, जब मैंने बैकग्राउंड इमेज लिखी थी तो मैंने 3 प्रॉपर्टी का यूज किया, अगर मेरे पास बैकग्राउंड पे क्या होता, कलर होता, मैंने इसे अनकमेंट किया, Ctrl+Forward/ का यूज कर रहे हैं, मैं जाकर अगर पेज पर देखता हूं, तो आपके पास क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो सकता है? ओपेसिटी प्रॉपर्टी, ओपेसिटी चलती है ट्रांसपेरेंसी के लिए। फिल्टर लगाकर भी ट्राई कर सकते हो, फिल्टर भी तो पड़ा है आपने, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी ये बेसिक कुछ चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है? आपका टारगेट क्या है, आपको मैं एक पेज दे रहा हूं, ठीक है? आपको उसे अपने हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से बनाना है। तो एक तो फेसबुक का पेज है, अगर आप फेसबुक का पेज बना रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखिए, और साथ में इस वीक देखो रेगुलर पढ़ते तो भाई बनता रहता, अब वीकेंड्स में तो क्या है, आपको साथ साथ पढ़ते भी रहना है और चीजें बनती भी चली जाए। तो एक बेसिक सा पेज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इस पेज को देखकर आपको अपने हिसाब से पेज बनाना है, जो भी सिनारियो आपको लगता है, ठीक है? इसका जैसा सरनेम भी अपने लिए पेज क्रिएट करना है, ठीक है? तो इसी तरीके से लेट्स से ये पेज आप टारगेट कर सकते हैं। ऊपर सब मेन्यूज आप नहीं बनाना जानते हैं तो कोई बात नहीं, सब मेन्यूज छोड़ दीजिए, बाकी डेटा को बनाइए, या फिर ये भी लगता है कि टफ है, अभी मेरे से ये भी नहीं बनेगा तो क्या करिए, लेट्स से इंस्टाग्राम लॉगिन पेज खोलिए, इमेजेस पर जाइए, इंस्टाग्राम के लिए एक लॉगिन पेज बनाकर दे दीजिए। क्लियर हो रही बात? एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है, वो प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट कलर, सीएसएस में, सीएसएस में ग्रेडियंट कलर क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है? कि सीएसएस में ग्रेडियंट कलर क्या करता है, देखिएगा, कलर का कॉम्बिनेशन बनाता है, कौन सी प्रॉपर्टी है ग्रेडियंट कलर इन सीएसएस? ठीक है, दो कलर्स का कॉम्बिनेशन अगर आपको करना है, तो लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट और कॉनिक ग्रेडियंट होता है। आपने लीनियर ग्रेडियंट के अंदर क्या डाल दिया, रेड और येल्लो, कॉम्बिनेशन उसका रेड और येल्लो का, बस आपको ऐसा करना है, ये कलर कलर प्रॉपर्टीज पढ़नी है ग्रेडियंट कलर, ठीक है? और जो भी आपने पढ़ा उसको कहाँ पर अप्लाई करना है, अपने पेज पर। प्रॉपर्टीज आपने रेंडम पढ़ी, अप्लाई कहाँ होनी चाहिए, पेज, ठीक है? अब टारगेट है, कोई भी एक पेज को टारगेट करके आपको उसका जैसा पेज बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है? और जहां फंसे गूगल पे प्रॉपर्टीज ढूंढ ढूंढ के काम शुरू कर देना चाहिए, ठीक?
ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे पढ़ाऊंगा इसके आगे। तो आपको बस पेज बनाना है, आपको टारगेट पता है, पेज को मैं शेयर करना चाहता हूँ तो शेयर कर देता हूँ, नहीं तो आपको मैंने बता दिया है कि किसी भी पेज को टारगेट करो और उस तरीके का पेज बनाओ, जैसे इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज, किसी वेबसाइट को टारगेट करके उसका जैसा पेज, ठीक है, वो आपको बनाना है। क्लियर? ठीक है।